Hi guys and welcome back to my channel. This is Manya. I hope you all are doing good. So guys, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा ही स्पेशल है. ये टॉपिक पे मैं कब से वीडियो बनाना चाहती थी, बट मुझे थोड़ा वेट करना था क्योंकि मुझे अच्छे अच्छे पॉइंट्स इसमें कवर अप करने थे. सो इसीलिए मेरा जॉब है एंड मैं घर से जल्दी निकल गई ताकि मैं वीडियो बना सकूँ. और अभी मेरे पास है 15 मिनट्स, सो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाऊँ ताकि जो बच्चे JAN 24 में आने वाले हैं उनको एक रियलिटी चेक मिले कनाडा का. सो गाइस, टॉपिक है एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी. ये बहुत ज़्यादा हाइप टॉपिक है, इस पर जितना भी बोलो उतना कम है. मेरे पास तो भर भर के पॉइंट्स हैं, मैं इस पर कितना भी बोल सकती हूँ, बट मैं इसमें कुछ पॉइंट्स कवर करूँगी ताकि जो लोग डरे हुए हैं, क्योंकि YouTube पे बहुत सारे ऐसे नेगेटिव वीडियोस हैं जो हम लोग देखते हैं. इनफैक्ट मैं भी देखती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं YouTube नहीं देखती, तो मैं भी देख देख के डर जाती हूँ कि ये सब हो रहा है कनाडा में. सो इसीलिए मैंने सोचा मैं खुद का एक्सपीरियंस एंड जो ये 2 महीने में मैंने फेस किया है, मैं उसके रिलेटेड एक वीडियो बनाऊँ. क्योंकि मैंने बहुत सारे थंबनेल्स भी देखे हैं जो जिसमें लिखा कुछ होता है एंड अंदर वीडियो में कुछ भी वो लोग बोलते हैं. मुझे नहीं मालूम मैं भी ये करती हूँ कि नहीं, बट आई होप कि मैं आपको फैक्ट्स ही बताऊँ, मैं ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के स्टोरी बना के ना बताऊँ. सो चलते हैं आगे वीडियो में, बात करते हैं. एंड गाइज, एक बात बताती हूँ, कल टेम्परेचर रात को था 1 डिग्री एंड अभी तो धूप निकल रखी है, बट कल कनाडा में स्नोफॉल हुआ था थोड़ा सा. सो अब ठंड बढ़ रही है एंड इसके बारे में भी आगे वीडियो में बात करते हैं. चलते हैं आगे. लाइक करो गाइज वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करो. पता नहीं आजकल आप वीडियोस देख रहे हो कि नहीं, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करो एंड चलते हैं आगे वीडियो में. स्टे ट्यून्ड गाइज एंड वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड. सो गाइज, फर्स्ट पॉइंट बात करते हैं. सबसे पहली तो मैं जॉब्स की बात ही करूँगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे मालूम है जॉब्स बहुत कम है. अभी जो सिनेरियो है, लोग जब सितंबर इनटेक में आए थे तो सब बोल रहे थे कि जॉब्स का सिनेरियो बहुत ख़राब है, लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही. एंड इनफैक्ट मेरे फ्रेंड्स को 2-2, 3-3 महीने हो गए एंड अभी तक जॉब्स नहीं मिली है. बट मैं एक फैक्ट बताना चाहूँगी गाइस, जॉब बहुत है. अगर मैंने अभी आपको लिस्ट दे दी ना, तो मेरा पूरा एक पेज भी कम पड़ेगा कि अभी इतनी ज़्यादा हायरिंग चल रही है, लोग सीजनल हायरिंग इतनी ज़्यादा कर रहे हैं. इनफैक्ट अभी LCBO में हायरिंग चल रही है, मास हायरिंग कर रहे हैं वो लोग. बेस्ट बाय में भी मास हायरिंग हुई थी, बाथ एंड बॉडी वर्क, देन Amazon और ऐसे काफ़ी वेयर हाउस भी है जो अभी सीजनल हायरिंग कर रहे हैं. तो ये अभी बेस्ट टाइम है, अगर आपको जॉब्स लेनी है, आपको जॉब करनी है, तो ये बेस्ट टाइम है अप्लाई करने का. क्योंकि अभी थैंक्सगिविंग आएगा, देन हैलोवीन आएगा, सो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मेजर हायरिंग्स होती है और ये बेस्ट चांस रहता है आपका जॉब लेने का. क्योंकि फिर दिसंबर के बाद बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि स्नो भी बढ़ जाती है एंड लोग इतना काम पे नहीं जा पाते. सो इसीलिए ट्राई करो, पूरा हसल करो कि आपको ये टाइम पे जॉब मिल जाए, नहीं तो फिर आगे जाके और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती है. एक एक्सपेक्टेशन मैं भी लेके आई थी जब मैं इंडिया में थी, तो मुझे ये था कि मैं जैसे ही कनाडा आऊँगी और मेरे लिए तो जॉब रेडी रहेगी, मुझे आते ही जॉब मिल जाएगी, मैं फर्स्ट डे से काम करना शुरू कर दूँगी, डॉलर कमाने लगूँगी. बट ये बहुत गलत मिथ है, क्योंकि यहाँ आते ही आपको रेडी कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ आपको खुद करना पड़ेगा. एंड आपको घर बैठे तो जॉब नहीं मिलने वाली, आपको बाहर निकलना पड़ेगा. रिज्यूमेज नहीं बांटोगे तब तक कोई भी कंपनी आपके पास सामने से नहीं आएगी कि ये लो जॉब ले लो, आपको खुद ही निकलना पड़ेगा. सो गाइज, मेहनत तो आपको खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई यहाँ पे आके आपके लिए जॉब रेडी नहीं रखने वाला. आपको खुद के स्किल्स दिखाने पड़ेंगे, कि आप खुद से जब तक कुछ नहीं करोगे तब तक आपकी कोई हेल्प नहीं करने वाला. इसीलिए ये भूल जाओ, अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी आए हो तो ठीक है, कोई नहीं, बट भूल जाओ सब कुछ एंड खुद पे फोकस करो. क्योंकि यहाँ पे खुद को प्रायोरिटी नहीं दोगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ सब मोस्ट ऑफ लोग सेल्फिश होते हैं, सब अपना सोचते हैं. इसलिए खुद पे ध्यान दो एंड खुद का सोचो सबसे पहले. एंड अब दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं. तो नेक्स्ट पॉइंट है वेदर. सो गाइज,
वेदर, मैं जब इंडिया में थी मैं बहुत ज्यादा ये सोचती थी क्या यार -25 डिग्री तो होगा, -10 डिग्री तो होगा, 2-3 कपड़े पहन लेंगे रुक जाएगी ठंड। हमें इंडिया में बिल्कुल आदत नहीं होती लाइक इतनी ठंड की। जो लोग नॉर्थ इंडियंस होते हैं लाइक नॉर्थ साइड से आते हैं वो लोगों को तो फिर भी आदत रहती है, बट जो हम लोग गुजरात साइड से होते हैं एंड वेस्ट साइड से होते हैं हम लोगों को बिल्कुल आदत नहीं होती क्योंकि वहाँ पे इतनी ठंड होती ही नहीं है। तो यहाँ आके मतलब मैं बता नहीं सकती, कल यहाँ पे 6 डिग्रीज टेम्परेचर था एंड गाइज मैंने 3 लेयरिंग्स की थी, बॉडी वार्मर, टी शर्ट और मोटा वाला जैकेट, फिर भी मेरी हालत ख़राब हो गई थी, मेरे से ठंडी नहीं सहन हो रही थी। मुझे वेदर के बारे में मतलब ये वेदर का सुन के इतना ज़्यादा डर लग रहा है कि जब माइनस में जाएगा। एंड कल रात को ही यहाँ पे लाइक मैं 6 बजे उठ गई थी आज सुबह एंड मैंने टेम्परेचर देखा तो 1 डिग्री था एंड आई वॉज लाइक कि अभी सिर्फ 1 डिग्री है और बाहर तो मैं निकली नहीं, मैंने घर पे ही फ़ोन में चेक किया था। सो लाइक मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि क्या होने वाला है और सिर्फ वेदर की वजह से ही मेरे को इतना ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि मैं सब कुछ कर लूँगी, मैं 2-3 जॉब्स कर लूँगी बट पता नहीं मुझसे ये ठंडी सहन होगी कि नहीं। बट गाइज जो भी जान इनटेक में आ रहा है मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, सबकी कैपेबिलिटीज़ अलग रहती है एंड एक आपका मेंटली आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा क्योंकि आप ये सोचोगे कि नहीं मुझसे नहीं होगा, मैं कैसे रहूँगा, तो ये सब नहीं सोचना है, आपको मेंटली स्ट्रांग बनना है कि नहीं कितनी भी ठंड है हम सर्वाइव करेंगे, हम करके दिखाएंगे। सिर्फ 5-6 महीने की बात है और सिर्फ आपको जब बस का वेट करना पड़ता है तभी सबसे ज़्यादा ठंडी लगती है, बाकी यहाँ पे हर जगह पे हीटर रहते हैं तो इतना कोई टेंशन नहीं रहता। सो बस खुद को मेंटली स्ट्रांग बनाना है और साथ में ये ठंडी सर्वाइव करनी है क्योंकि अब हमने ये लाइफ चूज़ की है कनाडा आने की, तो अब इससे भाग नहीं सकते। तो बस यही है वेदर और जॉब का सीन, अब आगे चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। सो थर्ड पॉइंट आता है अकोमोडेशन का। अकोमोडेशन के भी बहुत लोगों के मिथ्स रहते हैं कि यहाँ पे अकोमोडेशन बहुत चीप रेट्स पे है, बहुत अच्छे घर मिल जाएंगे, आपको प्राइवेट रूम मिल जाएगा $500 में। तो गाइस नहीं, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे $500-600 में आपको शेयरिंग रूम ही मिलने वाला है एंड आपको आदत डालनी पड़ेगी 4-5 लोगों के साथ रहने की, एक घर में खुद को प्रिपेयर करके आना क्योंकि यहाँ पे $500-600 के बिना आपको कोई घर नहीं मिलने वाला अनलेस एंड अंटिल आप बहुत ज़्यादा आउटस्कर्ट्स में रहते हो। अगर आप कोई अच्छी सिटी में रहोगे तो आपको इतना पे करना ही पड़ेगा, सो ये भी सोच के आना एंड एक्स्ट्रा कैश वगैरह अपने पास रखना क्योंकि इनिशियली आते ही जब तक आपका बैंक अकाउंट वगैरह नहीं खुलता तब तक आपकी GIC भी नहीं आती, सो इनिशियली आपके पास कैश वगैरह रहना चाहिए। सो ये सब माइंड प्रिपेयर करके आना। एंड एक बात और, जो हम टीनेजर्स में बहुत ज़्यादा वो है हाइप्ड है कि हम लोग इंडिया में बैठे बैठे ये देखते हैं, लोगों की स्टोरीज पे देखते हैं, इसने तो आईफोन ले लिया, इसने तो फ्री में आईफोन ले लिया, इसको फ्री में आईफोन मिल गया, इसने जाते ही गाड़ी ले ली। भाई नहीं होता ये सब, फ्री में आईफोन नहीं मिलता। जो भी आप YouTube पे थंबनेल वगैरह देखते हो आई गॉट माई आईफोन एट $0 ब्ला ब्ला ब्ला, दिस इज़ ऑल बुलशिट, क्योंकि मेरे को तो पता है क्या मन करता है, जो लोग ये सब थंबनेल्स डालते हैं ना उनको सबसे पहले रिपोर्ट करूँ कि भाई क्या स्कैम मचा रखा है आप लोगों ने। $0 पे यहाँ कुछ नहीं मिलता, इसका एक सिस्टम रहता है, जब भी आप अपना सिम कार्ड लेने जाते हो तो उसमें आपको अलग अलग प्लान्स रहते हैं। सो मैं अपना केस बताती हूँ, जब मैं भी सिम कार्ड लेने गई थी तो मुझे मेरा प्लान है $50 per month एंड उसमें मुझे 40 GB अराउंड मिलता है पर मंथ। सो उसके साथ मुझे उन लोगों ने ऑफर किया था कि आपको अगर आप $50 का अगर मेरा प्लान है सो मुझे उसमें अगर मैं और $30 ऐड कर दूँ तो मुझे एक फ़ोन, ब्रांड न्यू फ़ोन वो लोग दे देंगे और मुझे मंथली $80 या $90, सबका अलग अलग रहता है, मंथली कुछ मंथ्स तक पे करना पड़ेगा। तो वो आप समझ लो कि आप फ़ोन की डाउन पेमेंट ही भर रहे हो, इंस्टॉलमेंट में आपने बेसिकली फ़ोन लिया है,
ऐसा नहीं है कि आपको $0 में फ़ोन मिल गया या फ़ोन आसमान से गिरा है तो आपको सस्ते में मिल गया, फ्री में मिल गया। ये सब फालतू की बकवास है गाइस। ये सब अगर आप YouTube पे देखो तो भाई उसको रिपोर्ट करो सबसे पहले। मैं हर वीडियो को रिपोर्ट करती हूँ अगर मैं ये देखती हूँ ना कि $0 पे आईफोन लेके आए, भाई क्या बकवास मचा रखा है। तो ये सब मत बिलीव करो जो भी आपके फ्रेंड्स या कोई भी ऐसा यूट्यूब पर डाल रहा है। सो ये सब बकवास है, मत बिलीव करो। एंड आप भी ये मत सोचो कि हम भी कनाडा जाके ले लेंगे। आप भी लोगे आईफोन 3-4 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद लोगे गाइस। आते ही ये फालतू के एक्सपेंसेस करना इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी। क्योंकि हम लोग यहाँ पे आते हैं पढ़ने के लिए, हार्डवर्क करने के लिए। अनटिल आप इंडिया में 4-5 लाख महीने का नहीं कमाते हो तो आप यहाँ आके इतना वो करो। वरना अगर आप एक मिनिमल अमाउंट से इंडिया में सर्वाइव करते थे तो यहाँ आके ये सब करना इज़ नॉट गुड। अपने पेरेंट्स का सोचो, अपनी फैमिली का सोचो, क्योंकि फालतू में ये सब एक्सपेंसेस वेस्ट है गाइस। डोंट डू इट। तो नेक्स्ट बात करते हैं खाने पीने का सामान। सो बहुत बच्चों को रहता है कि कनाडा फॉरेन कंट्री है ऑब्वियसली, बट गाइस यहाँ पे स्टूडेंट्स भरे पड़े हैं एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है जो इंडियंस हैं। सो बिल्कुल ये टेंशन तो नहीं लेनी है कि हम लोग भर भर के इंडिया का सामान ले आते हैं और जो नेसेसिटी की चीज़ें रहती है वो हम ला ही नहीं पाते क्योंकि हम खाने पीने का सामान इतना ले आते हैं। तो ये सब अगर आप कहीं पे सुन रहे हो कि कनाडा में इंडियन चीज़ें नहीं मिलती, ये सब फालतू है। यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे इंडियन स्टोर्स हैं जहाँ पे इंडियन खाना आप MDH, एवरेस्ट, सबके मसाले, सब कुछ जो हम नाश्ता वहाँ करते हैं शाम को, वो सब कुछ यहाँ मिलता है। सो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। तो जो नेसेसिटी की चीज़ें हैं आप वो लेके आओ और ये सब फालतू वहाँ से उठा उठा के लाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो बोलूँगी वहाँ से अच्छे कपड़े, गर्म कपड़े जो लाइक आप विंटर्स में पहनते हो, जैकेट्स और ये सब लेके आओ, बेटर रहेगा। क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंसिव तो है बट ऑब्वियसली यहाँ की जैकेट तो यहाँ की होगी और यहाँ के टेम्परेचर को सूट करेगी, बट एटलीस्ट आप इनिशियली उसमें सर्वाइव कर सकते हो। तो ये एक टिप है मेरी गाइस। खाने पीने का तो बिल्कुल यहाँ इतना वेस्ट मत करना, थोड़ा बहुत ठीक है बट पूरा बैग भर भर के लेके आना इज़ जस्ट वेस्ट। तो आपको जो लाइक एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है एंड आपको चाहिए कि वो इंडिया का ही मुझे खाना है तो आप वो सब लेके आ सकते हो, बट सब कुछ लेके आना इज़ नॉट गुड। एंड थोड़ा सोच समझ के अपनी पैकिंग करो और ऐसा नहीं है कि सब कुछ भर लो। देन बात करते गाइज कि बहुत लोगों को लगता है कि यहाँ पे आप लोगों को लोग अच्छे मिलेंगे। यहाँ पे लोग बहुत मतलबी होते हैं, बहुत अपना काम हुआ उनका एंड वो देखेंगे भी नहीं आप कौन हो। होते हैं बहुत लोग अच्छे भी होते हैं अगर आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं या आपने किसी से रिलेशन मेंटेन अच्छा किया हो, तो ये सब रहेगा कि आपका अच्छा ग्रुप बन जाएगा। बट यहाँ पे मोस्टली लोग ऐसे ही होते हैं क्योंकि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, यहाँ पे यही सीन है। आप कितना भी बड़ा घर ले लो आपको अकेले रहना सीखना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे आपको कोई नहीं आने वाला, सब आएंगे मिलेंगे आपसे एंड देन एक टाइम पे चले जाएंगे। तो मेरी एक ही टिप है कि यहाँ ये एक्सपेक्टेशन मत लेके आओ कि लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। हाँ, वो लोग खड़े रहेंगे जो आपके साथ बहुत टाइम से है या आपके साथ अच्छा रिलेशन उनका मेंटेन्ड है, बट यहाँ पे सब लोग ऐसे नहीं है। सो सोच समझ के अपनी कंपनी चूज़ करना एंड ये एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल मत लेके आना कि हर कोई जो आपको मिलेगा वो आपके साथ रहेगा। कोई कोई लोग आपके साथ आपके उनके मतलब के लिए रहते हैं, तो बहुत ध्यान से अपनी कंपनी चूज़ करना। लास्ट एक पॉइंट मैं कवर करना चाहूँगी स्कैम्स के बारे में। सो, ऐसा नहीं है गाइस कि सिर्फ इंडिया में स्कैम्स होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि फॉरेन कंट्री है तो यहाँ स्कैम्स नहीं होते, तो ये सब बहुत बड़ी गलती है आपकी कि आप सोच रहे हो, क्योंकि कनाडा में आजकल इनफैक्ट बहुत टाइम से हाउसिंग स्कैम्स, जॉब स्कैम, ये सब बहुत ज़्यादा चल रहा है। इनफैक्ट कनाडा में इतना ज़्यादा बढ़ गया है, लोग इतना ज़्यादा यहाँ पे स्कैम्स करते हैं। न्यू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो आते हैं टारगेट उन्हीं लोगों को करते हैं क्योंकि वो लोग नए नए यहाँ आते हैं तो हमसे लाइक गलतियाँ हो जाती है यहाँ पे, हम लोग ये बातों में आ जाते हैं
जब हम लोग नए नए होते हैं, क्योंकि हमें ये कंट्री के बारे में कुछ पता ही नहीं होता है। एंड जो लोग यहाँ पे एकदम अकेले आते हैं, उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता, वो लोग तो और ज़्यादा फंस जाते हैं। सो ये सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा अवेयर रहो, लोगों की वीडियोज़ देखो कि कैसे स्कैम्स होते हैं, और बच के रहो ये सब से, क्योंकि एक बार आपका आपके साथ स्कैम हो जाता है ना, तो आप बहुत ज़्यादा टूट जाते हो, आप किसी पे भरोसा नहीं कर पाते फिर। सो गाइज, यही सब था, यही थी एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी। सॉरी, लाइक मैंने जो कुछ थोड़ा रूड हो के वीडियो में अगर कुछ बोला हो तो मुझे माफ़ कर देना, मेरा कोई मैं से इंटेंशन नहीं था आपको डराने का। एंड गाइज, अगर आप मतलब ये डर रहे हो जॉब्स वगैरह के रिलेटेड, जॉब अकोमोडेशन और वेदर के रिलेटेड, तो बिल्कुल टेंशन मत लो, यहाँ आके खुद को सिर्फ एक दो महीना देना, सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा। और नहीं हो तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपकी पूरी तरीके से हेल्प कर दूँगी। बिल्कुल टेंशन नहीं रहना है, क्योंकि यहाँ आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से दूर आ रहे हो, सो एकदम काम हो के सब कुछ करना है, बिल्कुल आराम से सब कुछ करना है, सब कुछ स्मूथली हो जाएगा, बस खुद पे भरोसा रखो और कभी हार मत मानो। आज के लिए इतना ही गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को बताओ ये वीडियोस जो जो कनाडा आने वाले हैं, एंड सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय फॉर नाउ।